तुम लोग को नाइन्थ का फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी सिलेबस से पहला चैप्टर है विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट। तो विज्ञान का पहले अर्थ बतलाएंगे, विज्ञान किसे कहते हैं, इसके बाद मापन क्या चीज़ है, मापन मेजरमेंट। तो पहले विज्ञान समझो, विज्ञान का अर्थ होता है वी जोर ज्ञान, वी से विशिष्ट होता है, विशिष्ट मतलब स्पेशल, कहता है ये विशिष्ट आदमी है यानी स्पेशल आदमी है। हम लोग सामान्य जीवन में प्रयोग करते हैं ना, 10 आदमी आया तो चलो इसमें ये आदमी जो है स्पेशल आदमी है। तो बी से विशिष्ट हो गया, ज्ञान से नॉलेज। तो विशिष्ट ज्ञान को यानी स्पेशल ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। अब कहोगे विशिष्ट ज्ञान क्या होता है, तो ज्ञान तो बहुत प्रकार का होता है। बहुत आदमी को राजनीति का ज्ञान है, पॉलिटिक्स का, नेता सबको है ना जी। तंत्र मंत्र का ज्ञान भी बहुत आदमी को होता है, झूठ हो या सच अलग बात है। बहुत आदमी को खेती का ज्ञान होता है, बहुत तरह का ज्ञान है दुनिया में। लेकिन विशिष्ट ज्ञान का क्या अर्थ हुआ, जैसे मान लो अगर हम इस मार्कर को ऊपर की ओर उछा ले तो ये मार्कर पुनः गिर करके नीचे की ओर आ जाएगी। एक गेंद को तू पूरा बल लगा करके, ताकत लगा करके ऊपर की ओर फेंको, कुछ ऊंचाई के बाद ये नीचे की ओर आ जाएगी। तो न्यूटन जब अपने बगीचे में बैठ करके पढ़ रहा था, तो उसके किताब पर सेब के पेड़ के नीचे पढ़ रहा था, तो एक सेब टूट करके गिरा। तो कोई भी फल टूट करके तो बरसों से पृथ्वी पर ही गिरता है ना, ऐसा सुना है पेड़ से फल टूट करके ऊपर की ओर भाग जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो न्यूटन अचानक सोचा ये पेड़ से जो फल टूटा है ये नीचे की ओर ही क्यों गिरा, ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। इसके बाद कोई भी पिंड का अर्थ है मान लो कोई गोला, कोई कुर्सी ही लो, कोई भी वस्तु लो ऊपर की ओर उछालो तो नीचे की ही ओर गिरता है। तो न्यूटन कई प्रयोग किया, जो कहीं भी पृथ्वी पर हम लोग किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वह नीचे की ओर ही आएगा। इसका अर्थ है न्यूटन ये प्रयोग किया, कई प्रयोग किया, पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में यह प्रयोग किया गया। न्यूटन के अलावा और लोगों ने किया, और सदियों का मतलब हजारों लाखों वर्ष से पृथ्वी के ऊपर कोई भी पिंड को फेंके जाने पर वह पुनः नीचे की ओर ही गिरती है। तो न्यूटन इस पर प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद परीक्षण किया यानी टेस्ट किया, प्रयोग क्या किया, किसी भी पिंड को ऊपर फेंका तो ये एक प्रयोग हो गया। फिर उस पर टेस्ट किया जो ऊपर फेंकने पर नीचे के ही ओर गिरती है, तो अंत में इससे निष्कर्ष निकाला हमारी पृथ्वी एक चुंबक है जो किसी भी ऊपर फेंकी गई वस्तु को अपने ओर खींच लेती है, अपने केंद्र की ओर खींच लेती है यानी अपने ओर खींच लेती है। तो इसी को ये विशेष ज्ञान हो गया, यानी इसको विज्ञान कहा गया। जैसे मान लो पानी तो लोग कहीं भी नीचे की ओर गिराओ तो पानी, जैसे ऐसा जमीन है, ये जमीन है, यहाँ पर पानी गिराएंगे यहाँ पर, तो बोलो तो पानी इधर जाएगा बाईं ओर की दाईं ओर जाएगा, दाईं ओर जाएगा, दाईं ओर जाएगा। इसका अर्थ हुआ पानी ऊंचे भाग से नीचे भाग की ओर प्रवाहित होता है ना। इसी बात कहीं भी प्रयोग करोगे और गौर से देखोगे, प्रयोग करोगे
अंतिम रिजल्ट निकलेगा, पानी उच्च तल से निम्न तल की ओर जाता है। उच्च तल मतलब ऊंचे भाग से निम्न तल यानी नीचे भाग की ओर प्रवाहित होता है। ये विशेष ज्ञान हुआ। तो दुनिया में जो भी प्रयोग किया जाता है और एक प्रयोग को सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों बार किया जाए और इसका एक ही तरह का रिजल्ट आवे, तो ऐसे प्रयोग करने से टेस्ट करने से अंत में जो ज्ञान प्राप्त होता है वही ज्ञान विज्ञान कहलाता है। स्वास्थ्य की हेल्थ की दुनिया में जितना भी मेडिसिन बनता है, इस सब मेडिसिन का पहला प्रयोग किस पर होता है तुम लोगों को मालूम है? ज़्यादा से ज़्यादा चूहे पर दवा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि चूहा की कोशिका और मानव की कोशिका में बहुत ज़्यादा समानता है। कोशिका सेल जिससे पूरा शरीर बनता है, बायोलॉजी में बतलाएंगे। तो साइंटिस्ट जो भी प्रयोग करता है, एक ही प्रयोग को सैकड़ों हजारों लाखों बार करके अगर एक ही तरह का रिजल्ट आता है और इस रिजल्ट से जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो ऐसे ही ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। फिजिक्स में पढ़ोगे बहुत तरह का रिसर्च वैज्ञानिकों ने किया एक ही बात पर, जैसे हवाई जहाज ऊपर की ओर कैसे उड़ता है, नीचे की ओर क्यों नहीं गिर जाता है, इस पर भी कई प्रयोग राइट बंधुओं ने किया। 1896 ईस्वी में दो भाई था, सोचा पक्षी की तरह हम लोग नहीं उड़ सकते हैं क्या, ऐसा सोचना शुरू किया। लोगों ने इसको पागल कहा। 5 साल तक इस पर प्रयोग करते करते जो मनुष्य हवा में पक्षी के जैसा किस दिन उड़ेगा, अंत में उसका प्रयोग सफल रहा और ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ जो कैसे उड़ेगा इसका भी सिद्धांत है। तो अंत में ये एक नॉलेज प्राप्त हुआ जो मनुष्य हवा में किस तरह उड़ेगा। तो हवाई जहाज में उड़ता है ना जी, तो 1896 में राइट बंधुओं ने इस पर सोचना शुरू किया। दो भाई था, इसको राइट ब्रदर्स कहा जाता है, राइट बंधु। और 1901 ईस्वी में 5 साल के बाद हवाई जहाज का निर्माण आविष्कार कर लिया। प्रयोग करते करते अंत में हवाई जहाज बना लिया और हवा में उड़ा दिया जिसमें आदमी उड़ता है। अब देखो हवाई जहाज से कितनी लंबी लंबी दूरी तय की जाती है। तो विज्ञान का अर्थ हुआ एक क्रमबद्ध प्रयोग करेंगे। क्रमबद्ध का अर्थ हुआ पहला प्रयोग किए, एक ही प्रयोग को एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, सैकड़ों बार करेंगे और उसका टेस्ट करेंगे। जैसे हवा में एक गोला को उछालना, ये प्रयोग का नाम हो गया। कैसा प्रयोग? तो हवा में एक गोला को उछालते हैं, ये प्रयोग हुआ। इसके बाद उछलने पर तू ध्यान दो, कुछ ऊंचाई तक गया फिर नीचे गिर गया, ये इसको कहा जाता है परीक्षण यानी टेस्ट। अगर हम मार्कर को हवा में उछाले, उछाल कर देखे, तो मार्कर को हवा में उछालना एक प्रयोग करना हो गया और उस पर निगाह रखेंगे जो ऊंचाई की ओर गया पुनः नीचे की ओर गिर गया, इसको कहेंगे परीक्षण। तो इससे हमको ज्ञान क्या प्राप्त हुआ? तो इसका इससे ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो ऊपर की ओर इसीलिए नहीं गया क्योंकि हमारी पृथ्वी एक चुंबक है और पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है, यह ज्ञान प्राप्त हुआ। तो तीन बातें हो गई। पहला प्रयोग किए, एक गोला उछाले, गोला की ईंट जो भी पिंड हो तू उछालो, प्रयोग करो एक ईंट को उछाल करके। एक बार 1 किलो का ईंट उछालो, एक बार 2 किलोग्राम का ईंट उछालो, एक बार 10 किलोग्राम का ईंट उछालो, यानी ये प्रयोग उछालने वाला प्रयोग करेंगे चाहे जितना वजन का हो। इसके बाद मान लो ईंट को ही उछाले तो फिर देखते गए, फिर देखे जो कुछ देर के बाद वह नीचे की ओर गिरने लगा, तो देखे यानी परीक्षण कर रहे हैं जो क्या हो रहा है, नीचे की ओर गिर गया। पृथ्वी पर सब जगह यही प्रयोग किए तो सब जगह पाए जो ईंट को या पत्थर को या किसी भी पिंड को
ऊपर की ओर उछालते हैं, यानी एक प्रयोग करते हैं तो आखिर होता क्या है, फिर परीक्षण करते हैं यानी देखते हैं। परीक्षण शब्द बना है परीक्षा से, परीक्षा लेते हैं तो कहते हैं टेस्ट ले रहे हैं। तो प्रयोग किए, मान लो पत्थर को उछालने वाला प्रयोग किए, अब परीक्षण किए यानी हम देख रहे हैं जो नीचे की ओर गिर रहा है, तो अंत में इससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, यह ज्ञान प्राप्त हुआ जो कहीं भी पृथ्वी पर ऊपर की ओर कोई भी वस्तु फेंका जाए तो पृथ्वी इसे नीचे की ओर खींच लेती है, इसलिए वह पृथ्वी की ओर ही गिरता है, अर्थात पृथ्वी एक चुंबक है, ये ज्ञान प्राप्त हुआ। और ऐसे ही ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान। तो ये बी से विशिष्ट, विशेष ज्ञान से नॉलेज, ज्ञान यानी वैसा विशेष ज्ञान जो एक ही प्रयोगों को क्रम से यानी बारी बारी से, एक बार दो बार सैकड़ों बार हजारों बार करे लाखों बार करे तो एक ही समान रिजल्ट आवे और एक ही तरह का ज्ञान प्राप्त हो, तो ऐसे ही ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहेंगे। समझा? तो विज्ञान विशेष ज्ञान, इसका मतलब प्रयोग पर आधारित है। तुम लोग या हम लोग दुनिया में जितना भी विज्ञान का आविष्कार देखते हैं, मोबाइल हुआ, पंखा हुआ, बल्ब हुआ, मोटरसाइकिल हुआ, सब कुछ पहले कोई न कोई साइंटिस्ट प्रयोग किया होगा। जो रोड पर हम बैठ करके कैसे दौड़ सकते हैं एक सवारी पर, तो मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ, मोटरसाइकिल पर हम लोग बैठते हैं जी, स्टार्ट करते हैं तो अपने आप चलने लगता है ना, किसी भी चार चक्का गाड़ी में या ट्रेन में भाप इंजन का भी आविष्कार ऐसे ही हुआ। तो जितना भी विशेष ज्ञान है जिसे हम विज्ञान कहते हैं, वह क्रमबद्ध रूप से हजारों बार लाखों बार प्रयोग किया जाता है, एक ही प्रयोग को दोहराया जाता है और देखा जाता है, निरीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है जो क्या होता है, और अंत में उसी एक प्रयोग को हजारों लाखों बार करने पर अगर एक ही तरह का रिजल्ट आता है जिससे हमको एक ज्ञान प्राप्त होता है, तो ऐसे ही ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब बोलो, तंत्र मंत्र वाला ज्ञान को विज्ञान नहीं कहेंगे, नेता वाला ज्ञान को विज्ञान नहीं कहेंगे? तो विज्ञान का मतलब क्या हो गया, विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, स्पेशल नॉलेज जो किस पर निर्भर है, तो एक ही प्रयोग को सैकड़ों हजारों बार करने पर। इधर ध्यान दो, दूसरा क्वेश्चन है, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं यानी ब्रांच? तो विज्ञान की दो शाखाएं हैं, पहला हो गया फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान, दूसरा हो गया जीव विज्ञान। पहला है भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस, दूसरा है जीव विज्ञान। कोई पूछेगा विज्ञान की कितनी शाखाएं, तो बोलना दो, पहला फिजिकल साइंस, दूसरा लाइफ साइंस यानी भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं, तो उसमें निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों और उनसे संबद्ध घटना संबद्ध घटनाओं से होता है। इसका अर्थ हुआ, पृथ्वी पर दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, एक जीवित दूसरा मृत। पत्थर सांस लेता है, बोलो तो? नहीं। पत्थर भोजन करता है? नहीं। हवा में जान है, जिंदगी नहीं है? पानी में भी जिंदगी नहीं है? मिट्टी में भी नहीं है? तो जिसमें जीवन नहीं है उसको फिलहाल जान लो निर्जीव पदार्थ, इंग्लिश में नॉन लिविंग मैटर्स कहते हैं। समझा? हाँ। और जिसमें जान है, जीवन है, उसको सजीव पदार्थ बोलते हैं, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े, जानवर, जितने भी प्रकार के वनस्पति है, पेड़ पौधे छोटे से बड़े, सब में जीवन है। तो मालूम है ना, अगर पेड़ पौधे में जीवन नहीं होता तो उसकी लंबाई नहीं बढ़ती। लंबाई बढ़ती है न जी? पेड़ पौधे में जीवन नहीं होता, जीवन है तब न वह भोजन करता है, हम लोग खाद पानी देते हैं तो वृद्धि होती है,
तो पृथ्वी पर दो ही प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक सजीव दूसरा निर्जीव। सजीव पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें जीवन होता है, निर्जीव पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें जीवन नहीं होता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, बालू, मिट्टी, पत्थर, पानी, ये सब में जीवन नहीं है तो इसको निर्जीव पदार्थ कहेंगे। और इसी निर्जीव पदार्थ का भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस में अध्ययन होता है। तुम आगे चल करके पढ़ोगे, पृथ्वी निर्जीव पदार्थ है ना, तो पृथ्वी एक चुंबक है, उसमें अपनी शक्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति दूसरे पिंड को अपनी ओर खींचती है। पानी के बारे में ही पढ़ोगे, पानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से बनता है। तो भौतिक विज्ञान में निर्जीव पदार्थों का और निर्जीव पदार्थों से संबंधित बातों का अध्ययन होता है। जैसे मान लो सूर्य भी निर्जीव पदार्थ है तो सूर्य का अध्ययन होगा, सूर्य में उतनी भयंकर मात्रा में ऊष्मा कहाँ से आती है जो सारे पृथ्वी पर उसकी प्रकाश पड़ती है और हम लोगों को बहुत गर्मी लगती है, लगती है ना। तो फिजिकल साइंस के बारे में, जैसे मिट्टी ही निर्जीव पदार्थ है तो मिट्टी का, उसमें मिट्टी का अध्ययन हम लोग करेंगे फिजिकल साइंस में, तो मिट्टी निर्जीव पदार्थ है तो मिट्टी का अध्ययन करेंगे। फिर कहता है निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंध घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान में होता है। अगर मान लो मिट्टी निर्जीव पदार्थ है तो मिट्टी के से संबंधित जितनी भी बातें हैं, जैसे मिट्टी में कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, कितनी प्रकार की मिट्टी होती है, उसका कौन कौन सा गुण होता है, किस मिट्टी में हम लोग खेती कर सकते हैं, कौन सी मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, तो मिट्टी तो निर्जीव पदार्थ है, और निर्जीव पदार्थ है तो उसके बारे में तमाम बातों का अध्ययन हम लोग, बहुत सारी बातों का अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान का परिभाषा समझ गया, इस विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों और उनसे संबद्ध घटनाओं से होता है। उनसे संबद्ध घटनाओं का अर्थ हो गया कोई निर्जीव पदार्थ है तो उससे संबंधित कितनी बातें हैं सबका अध्ययन करते हैं। जैसे सोना का एक क्षर है या लोहा का एक क्षर है तो लोहा निर्जीव पदार्थ है। अब लोहा में कौन कौन सा गुण है उस निर्जीव पदार्थ, लोहे जैसे निर्जीव पदार्थ का अध्ययन जब करेंगे तो लोहे से हम लोग कितने सामान बना सकते हैं, लोहा कहाँ से मिलता है, यानी लोहा जो निर्जीव पदार्थ है तो उससे संबंधित तमाम बातों का, बहुत सारी बातों का अध्ययन जो किया जाएगा वह फिजिकल साइंस में, भौतिक विज्ञान में। मिट्टी से संबंधित, मिट्टी निर्जीव पदार्थ है, मिट्टी से संबंधित जो भी अध्ययन करेंगे वह तुमको भौतिक विज्ञान में, चूँकि इस विज्ञान में सिर्फ निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, समझा ना, टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो भी योगदान है वह निर्जीव पदार्थों का ही है। जैसे मोबाइल में जो कुछ भी सामान लगा हुआ है, मोबाइल जो काम करता है, मोबाइल में कोई जीवित पदार्थ है नहीं ना है। अब मान लो पानी का अध्ययन करेंगे तो पानी का अपना गुण होता है, पानी किन तत्वों से बनता है। वायु का अध्ययन करेंगे तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है, तो वायु तो निर्जीव पदार्थ है, तो निर्जीव पदार्थ एवं उनसे संबंधित बातों का अध्ययन किस में करेंगे तो फिजिकल साइंस में करेंगे, भौतिक विज्ञान में। तो याद रखना, भौतिक विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिस विज्ञान में निर्जीव पदार्थों एवं निर्जीव पदार्थों से संबंधित बहुत सारी बातों का अध्ययन किया जाता है, समझ गया। दूसरा है लाइफ साइंस, जीव विज्ञान। तो अभी तुरंत बोले हैं सजीव और निर्जीव दो तरह के पदार्थ होते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी पर क्या, पूरे ब्रह्मांड में। तो ये सजीव पदार्थ, पेड़ पौधे, जितने भी प्रकार के छोटे से छोटे वनस्पति कहा जाता है पेड़ पौधे को, मतलब बहुत छोटा से लेकर के बहुत विशाल का वृक्ष होता है ना जी। घास देखा है, घास की ऊंचाई कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है, बहुत सारा ऐसा घास है, और 200 फीट का भी लंबा वृक्ष होता है। तो जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे हैं
एवं जितनी भी प्रकार की के जीव हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक, ऐसा भी जीव है जो आँखों से नहीं दिखाई देता है, पढ़ेंगे उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो तमाम तरह के जीवों का अध्ययन और जीवों से संबंधित घटनाओं का अध्ययन लाइफ साइंस यानी जीव विज्ञान में किया जाता है। जैसे अब मान लो मनुष्य का अध्ययन करोगे तो मनुष्य तो सजीव है, तो मनुष्य में देखो सजीव का अध्ययन में क्या क्या आ जाएगा। जैसे मनुष्य सांस लेने का काम करता है तो श्वसन प्रक्रिया, भोजन करता है तो पचता है न जी, तो कैसे पचता है इसके बारे में जानकारी चाहिए। पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड दौड़ता है ना, तो कैसे दौड़ता है। बहुत सारा काम हम लोगों के शरीर में होता है तब हम लोग जिंदा होते हैं। तो तमाम तरह के जीवों का यही हाल है। तमाम तरह के जीवों का अध्ययन एवं जीवों में होने वाली जितनी भी तरह की घटनाएं हैं, जैसे श्वसन का होना, पाचन का होना, प्रजनन का होना, उत्सर्जन का होना, मलमूत्र का त्याग नहीं करेगा कोई भी जीव तो जिंदा रह पाएगा, बोलो तो नहीं ना। तो जीवों में अनेक तरह की क्रियाएं होती हैं जिनका अध्ययन किसमें किया जाता है, तो जीव विज्ञान में। यानी जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन किया जाएगा एवं सजीवों से संबंधित तमाम बातों का अध्ययन किया जाएगा। उनके पूरे शरीर की संरचना में, चाहे जो भी सजीव हो, पेड़ पौधा हो, छोटा से छोटा जीव हो, मनुष्य हो, जितने भी प्रकार के जानवर हो, उसके शरीर में होने वाली बहुत सारी बातें होती हैं ना। श्वसन सब जीव में होगा तब ये जिंदा रहेगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, वृद्धि होती है लंबाई में तो कैसे होती है, उत्सर्जन का काम होता है, मलमूत्र का त्याग करना, बहुत तरह की बीमारी हो जाती है, बहुत तरह का हार्मोन होता है शरीर में, मतलब पूरे शरीर के बारे में, जीवों का अर्थ हुआ जीवों के शरीर के बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है उस विषय को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। तो दोनों तो लोग समझ गया, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो आगे वाली बात पार्ट 2 में।